दोस्तों दिन था फरवरी 9 1895। इसी दिन विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार किया था। लेकिन दोस्तों विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार क्यों किया, क्या आप जानते हैं? दोस्तों विलियम जी मॉर्गन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के फिजिकल डायरेक्टर थे। इस एसोसिएशन में कई बिजनेसमैन थे। दोस्तों 4 साल पहले 21 दिसंबर 1891 को बास्केटबॉल का आविष्कार हुआ था और वो उस समय बहुत चर्चित गेम था। दोस्तों उस एसोसिएशन में जो बिजनेसमैन थे उन्हें ये बास्केटबॉल कुछ खासा पसंद नहीं आया, उन्हें ये गेम बहुत जोरदार लगा, तो इसीलिए विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल को इन्वेंट किया। दोस्तों पहले जब वॉलीबॉल खेला जाता था तो इसमें जंप नहीं करते थे, बस ठहर कर ही पास टू पास खेला करते थे, तो ये गेम उन बिजनेसमैन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। दोस्तों वॉलीबॉल की शुरुआत यहीं से हुई। दोस्तों वॉलीबॉल को पहले वॉलीबॉल नहीं कहा जाता था, वॉलीबॉल को पहले मिंटो नेटे कहा जाता था। वॉलीबॉल का पहला नाम मिंटो नेटे था। सन 1900 में वॉलीबॉल को डिजाइन किया गया। दोस्तों पहला टू मैन बीच वॉलीबॉल गेम 1930 में खेला गया। मेंस वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1949 में हुई और वुमेन्स वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1952 में हुई। दोस्तों वॉलीबॉल को ओलंपिक्स में 1964 में शामिल किया गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे वॉलीबॉल में तरक्की होती गई और नए रूल्स रेगुलेशन ऐड किए गए, उसी तरह प्लेयर्स में इम्प्रूव आता गया। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक एवरेजन एक वॉलीबॉल प्लेयर एक वॉलीबॉल मैच में 300 बार कूदता है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया भर में एक हफ्ते में करीब 80 करोड़ लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं वॉलीबॉल का सबसे लंबा मैच रिकॉर्ड 75 घंटे 30 मिनट का है। दोस्तों क्या आप जानते हैं फुटबॉल के बाद वॉलीबॉल ऐसा गेम है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों और एक बात जानकर आप हैरान होंगे, दुनिया भर में जितने वॉलीबॉल कोर्ट हैं उससे ज्यादा कोर्ट हमारे इंडिया में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों ये बात सच है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने वॉलीबॉल दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों पार्ट टू के लिए कमेंट में हमें जरूर बताएं। पार्ट टू में हम कोशिश करेंगे कि वॉलीबॉल का वेट, नेट की हाइट कवर कर सके।